एक बार भगवान के जय जयकार कर एक महान कृपा करो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल लखन सिया राम चंद्र की जय। मो मन मंगल मोद मचावती हंस नचावती धावती आओ। काव्य की ज्ञान की ज्योति जगावती गावती बीन बजावती आओ। सोमुखी प्रभा तिलावती छंदन में छवि तुम छावती आओ। भंगी भयंकर भयो भयावती भारित भीति भगावती आओ। आओ आप मन के समक्ष माँ सरस्वती के वंदना हम सुनाए बर जात हवन। कबो नाचे संगीत के सुर मवोताई रापुनि गाव तबला सुनावा मधुर मवो। रापुनि गाव तबला सुनावा मधुर मवो। कबो नाचे संगीत के सुर मवोताई रापुनि गाव तबला सुनावा मधुर मवो। रापुनि गाव तबला सुनावा मधुर मवो। कबो नाचे के सुरमा हो जाई राम नाम तबला सुनाव राम मधुर मवो। राम गुनि गाव तबला सुनाव राम मधुर मवो। सब नाचे संगीत के सुरमा हो जाई राम गुनि गाव तबला सुनाव राम मधुर मवो। राम गुनि गाव तबला सुनाव राम मधुर मवो। Thank you.
स्वामी वृषभ वर गामी सिर जटा विराज है गंगा नयन शुभ भंग मद भरे गले माला धारी विशद नृकपाली शशिकला कृपा की जय दी जय तव चरणन की शरण हूँ शशि राजय भाला बल बुद्धि विशाल शिव शिवे विचार है गाथा करण रघुनाथ सुख करी नयनी की टीका नव छवि विभूषा नाव रसा करो ऐसी माया श्रवण सुखदाय भवे अतुलित बल धामम हेम शैलाभुदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि प्रभु समरथ सर्वज्ञ सी सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम लखन सिया राम चंद्र की जय।
मानस के अनन अनुरागी भगवत प्रेमी प्यारे श्रोतागण, भक्तिमय करुणामय दयामय श्रद्धामय महतारी मन गुरुजन विद्वानगण, आप सबके हृदय में बसे परमात्मा राम हृदय नमन है। कार की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही घिसिया राम में सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अज्ञानता को वश हम भगवान ल खोजे प्रयास करथन, जबकि भगवान हम सबके हृदय में बैठे है। कोनो मथुरा जाते, कोनो काशी, कोनो वृंदावन, कोनो द्वारका जाते, हजारों रुपया खर्चा करे के बाद भी इन्हें जान सके कि ईश्वर के निवास कण कण में है। आओ, ईश्वर की कथा अनंत है, स्वयं ईश्वर अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनो आज रजहिना मान है जिनके बिमल विचार। भगवान राम की कथा अनंत है, भगवान स्वयं अनंत है, जेखर कथा के पार आज तक उन्होंने पा सके है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। लखन सिया रामचंद्र की जय। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा ज्ञान दायिनी माता सरस्वती ज्ञान दाता भगवान गणेश और यहाँ तक हजार शिव धारण करने वाला शेषनाग भी भगवान राम की कथा के बखान नहीं कर सकिस, तो हमार जैसे अज्ञानी मनुष्य के का कहना। निश्चित ही कथा और कथक भाषा टूटी हुई, अबोध अज्ञानी बालक समझ करके गलती क्षमा करो। कार की कथा जो है अगाध सागर के समान है, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। औ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, जे समय बड़े बड़े विद्वान कवि मन 100 करोड़ रामायण की रचना करिस, वो समय रामायण के विशालता के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कहिस, सात समुद्र की मसी कराओ, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज कराओ, हरिगुण लिखा न जाए। संसार में 7 ठो बड़े बड़े समुद्र है, जेकर पानी ला स्याही बना दे जाए, इधर तिल कागज बना दे जाए, और जतका ये धरती में पेड़ झाड़ है ओला कलम बनाकर कोई भगवान की कथा लिखना चाहे तो जगह के कमी हो सकते, लेकिन हरिगुण लिखा न जाए। और भगवान तो नर लीला करे खातिर ये धरती में अवतार लेके आए रहिस, और कतको के उद्धार करिस, कतको के मुक्ति करिस। जैसे राजा दशरथ ला दुर्भाग्य से मुक्ति, ताड़का ला भाव से मुक्ति, विश्वामित्र ला भय से मुक्ति, अहिल्या ला श्राप से मुक्ति, और राजा जनक ला संताप से मुक्ति। और भगवान से भी बढ़ करके ओकर नाम के महिमा बताइस गोस्वामी जी, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करह विचार सुजन मन माही। विचार करके देखन अगस्त ऋषि पेट कतेक बड़े रीस हुई, जिन पूरा समुद्र पानी पी गए, तो ये का हरे ये नाम के प्रभाव हरे। कलयुग में ना तो ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, तो हमार मन पर एक ही रास्ता है शरणागति। भगवान के शरणागत होकर हम अपन मुक्ति का रास्ता बना सकथन। कार की कलयुग में केवल भगवान के नाम ना सार बताइस गोस्वामी जी। कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गन विमल भवतर बिनु ही प्रयास। लखन सिया राम चंद्र की जय। कथा प्रसंग हमला प्राप्त होए हवे, उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। देखा गुहा निषाद राज, निषाद वन के राजा ऋषि आवे, और जिन केवट भगवान राम के चरण ल धो करके अपन डोंगा में बिठाक पार हुई, ये दोनों में अंतर आप मन हम बताए पर जाबो। कथा प्रसंग केवट के प्रसंग, 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम जब जाते तमसा नदी के पास में, अयोध्या वासी मन ला निद्रावस्था में छोड़ करके सुमंत लखीस की भैया सुमंत तेहा रथ ला आगे बढ़ा, कार की ही समय हवे, अयोध्या वासी मन ला छोड़ के जाए के नहीं, फिर ए मन हमार मन की पीछू नहीं छोड़े की। सुमंत ऐसे रथ ला भगाते कि कोनहल पता नहीं चलिस, सीधा गंगा के घाट में आते, और फिर सुमंत ला भैया के जा और पिताजी ला जा करके संदेश बता देवे।
सुमन दिन जाए नहीं, लेकिन भगवान राम जबरदस्ती बर बस राम सुमंत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। जबरदस्ती सुमंत्र ल भगवान राम तेना वापस अयोध्या भेज दी, और फिर राम लक्ष्मण माता सीता साथ में गुहा निषाद निषाद राज भी हवे। ये पहला प्रमाण हरे कि केवट और ये गुहा निषाद राज एमन दो जन व्यक्ति हरे होते कागा। मांगी नाउन केवट आना कहीं तुम्हारे मरमों में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब भाई मानुष करण मोरी कचुआ। सुवत सिला भई नारी सुहाई पाहन तेना काज कठिनाई, तरनी में मुनि घरनी हो जाई बाट पर मांगी ना उनके मत आना। गंगा के घाट में भगवान राम लक्ष्मण और सीता माता साथ में गुहा निषाद राज भी हवे। ओकर बाद केवट से नाव ला मंगावट डोंगल मंगावत हवे। ये पहली पहचान है, ये मन दू जन व्यक्ति हरे। पहली जब नहीं जानत रहे तो हमन ही कहात रहन कि गुहा निषाद राज है चरण लधोए भगवान राम के। जब मानस रहस्य पढ़े ना तो ये बात की पता चली कि नहीं एमन दू जन व्यक्ति हरे। जे राजा रिसावे ओकर लिए कहीं कहीं गुह शब्द के उच्चारण करिस गोस्वामी जी, और कहीं कहीं निषाद लिखिस। और जेन चरण लधो है भगवान राम के ओकर लिए केवल केवट शब्द के ही उपयोग करिस गोस्वामी जी। मांगी नाउन केवट आना, केवट से डोंगल मंगात है। लेकिन केवट की कहे तुम्हार मरम में जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूँ, तोर रहस्य जानता हूँ, मैं तोर भेद ला जानता हूँ किस। अब वो भेद कौन से हरेगा कि आपके चरण में मनुष्य बनाए के कोई जड़ी हवा। छुअत शिला भाई नार सुहाई पहन ते न काट कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हो जाई बाट परे मोर नाव उड़ाई। प्रभु मैं सुने की आपके चरण धूल से चरण के धुर्रा से गौतम ऋषि के नारी जैन श्रापवश पथरा बन करके पड़े रिसावे। ओ हा नारी बन के उड़ियागे छुवत शिला भाई नार सुहाई पहन ते न काठ कठिनाई। अब ये तो मोर काठ के डोंगा हरे, अब पत्थर से ज्यादा कठोर नहीं है किस। अगर ये डोंगा गौतम ऋषि के नारी अहिल्या बरोबर कहीं नारी बन करके अगर उड़िया जही तो फिर मोर तो जिन परिवार के जीविका चलत हवे वो बंद हो जही कि यही प्रतिपालो सब परिवारु और नहीं जानाओ कछ और कबारु। जब प्रभु पार अवश्य गा चहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। मैं हाँ एकरे भरोसा अपन परिवार के पालन पोषण करता हूँ किस, मोला कोई दूसरा काम नहीं आए किस। भाई डोंगा चलाने वाला डोंगा चलाए काम ला जानते, वह लोहार अपन लोहारी काम ला जानते, तबला बजाते ना अपन तबला के काम ला जानते, मैं हारमोनियम बजाया था मैं अपन हारमोनियम में बजाए काम ला जानता, और कोई दूसरा काम नहीं जाना मैं तो नहीं जाना हूँ कुछ और कबारू, मैं कोई दूसरा कार्य और नहीं जाना हूँ किस। अगर आप पार जाना चाहते हो तो मोहिपद पदुम पखारन कहो, आप अपन चरण ला पखारे बर का मोला इसे कहा था। मैं नहीं कहता हूँ कि तुर चरण ला दो, अगर पार जाना चाहत हो भी तो आप अपन मन के चरण ला मोर से धोवाओ की। पद कमल धोई चढ़ाई ना उननाथ उतराई चढ़ा, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची कहा, बरु तीर मारहु लखन पे जबे लगी ना पाऊं पखारी हा,
तब लगी न तुलसीदासना के कृपाल पार उतारी। हाँ, पद कमल धोई चढ़ाई नान नाथ उतराई चाहूं कि प्रभु हे नाथ मैं चरण कमल धो करके आप मल्ला पर नाम में चढ़ाऊं कि औ ते कोनो सोचत होबे वनवास काल में हाँ तो इला उतराई का दू नहकौनी का दू तो मैं उतराई भी नहीं लाऊं किस औ मोही राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मोला आपके पिता राजा दशरथ के शपथ है किस भले ही ये लक्ष्मण अपन बाण से मोला मार दी लेकिन जब तक आपके पांव ला नहीं पखार हाँ तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हाँ। जब तक आप अपन चरण लनी धोवाहू तब तक मैं अपन नाव में नहीं चढ़ा सका और जब ही आप अपन चरण लधवाहू तभे अपन डोंगा में बिठा करके मैं आप मल्ला ये पार ले वो पार लगा सकता हूँ। किस आप एक भजन के बाद इस प्रसंग में उस चर्चा करबो नारी होग चरण पादो तोरे महिमा के उड़त हावे तो पखरा नारी होग चरण पादो तोरे महिमा के उड़त हावे तो एकठ वक डोंगा मोर नये पखरल कठोर एकठ वक डोंगा मोर नये कठवन रहा नारी होगे चरण मातो तोरे महिमा की उड़त हावे तो रहा नारी होगे चरण मातो तोरे महिमा के उड़त हावे तो एकठे वक डोंगा मोर नये पकड़ल कठोर एकठे वक डोंगा मोर नये पकड़ल कठोर रहा नारी होग चरण मातो तोरे महिमा के उड़त हावे तो रहा नारी होग चरण मातो तोरे महिमा के उड़त हावे तो thank you.
नंदन रामचंद्र की जय। देखा केवट के बड़ा अटपटा वचन ल सुन करके सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तना। अटपटा वचन ला केवट के सुन करके भगवान राम लक्ष्मण और सीता के ओर देख करके मुस्कुराए लगी। मुस्कुराए के कारण का हरे, मुस्कुराए के कारण ये हरे कि सतयुग में एक केवट के नहा कछुआ के रूप में रिहिस आवे और भगवान श्री हरि विष्णु के चरण ल धोए बार ओ जाए बार बार शीर सागर में चरण के तरफ जाए माता लक्ष्मी तेन ओला भगा दे। शीर के तरफ जाए तो ये लक्ष्मण तेन शीशा उतार रिस आवे उपकार करके ओला भगा दे। माता सीता ते ओ समय लक्ष्मी रिसावे और ए लक्ष्मण शेषा अवतार और भगवान राम स्वयं श्री हरि विष्णु तो भगवान के चरण ल धोए बार 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 जाए चरण सुने चरण ल छुए बार 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 जाए लेकिन चरण तरफ जाए माता लक्ष्मी तेन ओला भगा दे। सिर के तरफ जाए तो शेष तेन फुपकार के भगा दे। वो कछुआ के भक्ति ला देख करके भगवान श्री हरि विष्णु ओला वरदान दिस कछुआ ते हाँ त्रेता युग में केवट के रूप में अवतार लेकर के जब आबे और गंगा के घाट में ते डोंगा चलात रहे ओ समय हमन आबो तब ते चरण ला हमार धोबे की आओ। यही बात ला याद करके लक्ष्मण और सीता की ओर देख करके भगवान राम मुस्कुराए लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जे हितौ नाउ न जाय बेजियान जल पाए पखार होत विलंब उतार पार। भगवान राम मुस्कुरा करके केवट लखीज के भैया केवट ते हां वही काम कर जेकर से तोर डोंगा बांच जाए और हमन ए पाले वो पार चले जान बेग आन जल पाए पखारो होत विलंब उतार पारो। हमन ला बड़ा विलंब होत हवे देर होत हवे ये कारण अति शीघ्र गंगा जल ला करके ते हमार चरण लधो। आज देखा जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरे नर भव सिंध अपारा जेकर नाम लास एक बार सुमरन करे से मनुष्य तेन संसार सागर ले पार हो जाते। सोई कृपालु केवट ही निहोरा आज वही भगवान तेन हा केवट करा निहोरा करत की भैया ते अपन डोंगा बिठा खामा ले पार ले वो पार नहका दे जे ही जग उकिये त्यो पग होते थोरा। जेन भगवान बामन अवतार के समय राजा बलि ला जब छलिस तीन पग जगह मांगिस राजा बलि तीन पग जगह दे बर तैयार होइस तो दो ही पग में तीन लोग चौदह भुवन ला नाप दिस भगवान वामन ते नापन विराट स्वरूप लेकर के।
आज वो भगवान ते निहोरा करत हवे का छोटे से नदिया ला पार नहीं कर सके का, लेकिन नहीं भगवान ते ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा ला रखते, चाहते तो उकर नीचे घाट ते ना उथला रिसावे, वो मेरे ले रेंगत ये पाले ऊपर जा सकत रिसावे, लेकिन नहीं मर्यादा ला रखते हुए केवट से डोंगल मंगाइस भगवान राम। पदनख नीरख देव सरी हरसी सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजायस पावा पानी कठौता भर ले आवा। पदनख नीरख देव सरी हरसी, अब देखा माता गंगा के जिन मति ते न मोह के कारण खिंचा जाते काबर की, और सोचा था वे कि भाई जेन हा तीन लोग 14 भुवन ला दो पग में नाप सकते, तो का ये छोटे से नदिया ला नहीं नहा सके का, ये गंगा माता के मन में बात है मोह के कारण। जेकर चरण के नक से माता गंगा की उत्पत्ति हुए हवे, जब वामन भगवान अपन जब त्रिविक्रम भरे खरारी तब मैं तरुण रहा बलभारी, जे समय अपन रूप ला बढ़ेस तब वो समय ब्रह्मा तेन भगवान के चरण ला धो करके वो पानी ला अपन कमंडल में भर ली, वही आगे चल के गंगा कहीं से, गंगा इस किसे धरती में भागीरथी के 60,000 पूर्वज जे मन कपिल मुनि के क्रोध अग्नि से जल करके राख हो गई, पता चलीस कि एकर मन के उद्धार गंगा के आय से हो सकते, तो माता गंगा ला लाए भर राजा सागर के 60,000 एक जन पुत्र रिस आवे, 60,000 तो जल के राख हो गई रिस आवे, एक जन और पुत्र रिस असमंजस जिन बहुत प्रयास करिस माता गंगा ले धरती में लाए भर, लेकिन नहीं ला सकिस। असमंजस के बाद अंशुमान उकर बेटा राजा हुईस, वो भी बहुत प्रयास करिस गंगा ला लाए के, वो भी असफल हो जाते है। अंशुमान के बाद में अंशुमान के बेटा दिलीप हुईस, वो भी असफल हो जाते गंगा ला लाए में, और दिलीप के बाद फिर दिलीप के बेटा भागीरथी हुईस जेन हा गंगा ला लाए बर ब्रह्मा जी के तपस्या करिस, ब्रह्मा प्रसन्न होकर के दर्शन दिस, ब्रह्मा बोलिस कि बेटा गंगा के बेग लाए धरती में संभालने वाला कौन हो नहीं है, अगर एकर गति ला संभाल सकते तो केवल भगवान शंकर हवे, अते ओकर आराधना कर किस। फिर भागीरथी भगवान शिव के तपस्या करिस, भगवान शिव दर्शन दिस, औ गंगा ला संभाले बर तैयार हुई ब्रह्मलोक ले ब्रह्मा, माता गंगा ला जब छोड़िस गंगा तो अपन मन में ये ठान ले रिस आवे कि मैं मृत लोक में नहीं रहा, कार की बहुत मल मूत्र तेन भरे हवे ये धरती लोक में, मैं सीधा रसातल में जाके समा जाऊं किस। लेकिन भगवान शंकर माता गंगा ला अपन जटा में ऐसे निचोड़ करके रख लीस कि गंगा वहां से बाहर निकलवे नहीं करिस, भागीरथी प्रार्थना करिस कि प्रभु अगर गंगा ला आप अपन जटा में ही रखे रहो तो फिर मोर पूर्वज मन के का हो। फिर भगवान शंकर तीन बूंद छोड़िस, एक बूंद आकाश में की जन आकाश गंगा के नाम से जाने गिस, एक बूंद पताल लोक में की जला पताल गंगा के नाम से जाने गिस, और एक बूंद जला छोड़िस ये धरती लोक में जला आज हमन हा भागीरथी गंगा के नाम से जानथन जिन प्रयागराज में बहे हवे, प्रयागराज ला कोई मुसलमान शासक हो रही जिन इलाहाबाद कर दिस हवे, आज पुनः भगवान कैसे भक्त हो जेमन मालूम रिस हवे रामायण में लिखा है कि एकर असली नाम प्रयागराज हरे, आज पुनः होकर नाम ला इलाहाबाद के नाम ला फिर से प्रयागराज कर देगी, तो प्रयागराज में माता गंगा बहे हवे, तो अपन उत्पत्ति के स्थान ला दे करके गंगा के मति तेने खिंचा जाते, फिर केवट राम रजायस पावा भगवान के आज्ञा पा करके केवट तेन कठौता में पानी भर करके लाते, और कठौता में पानी भर के लाए कारण का हरे, तो एक कारण बताइस कि भाई डोंगा भी कठवा के हरे, केवट तेन बड़ा चतुर रिस आवे जाना त्रिस आवे, अगर ये कठौता कुछ नहीं हुई भगवान के चरण में छुआ से तो मेरे डोंगा भी कुछ नहीं हो सका कि अति आनंद उमग अनुराग चरण सरोज पखारन लाग
बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एही समय पुण्य पुंज को नाही। बड़ा ही आनंद के साथ केवट दिन भगवान के चरण ल पखारत हवे। आकाश मार्ग ले देवता मन फूल के वर्षा करे लगी कि धन्य है केवट जेकर चरण ल धोए बर बड़े बड़े ऋषि मुनि यानी मन जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम को आत नाही तरसत रिते आज ओकर चरण ले केवट दिन धोवत हवे। एकर से पुण्य पुण्यात्मा और कोई नहीं है किस पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पीतर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान के चरण ल पखार करके भगवान के चरण के पानी ला पहली तो अपन परिवार मन ल पिलाई जतेक भी रीस हवे परिवार मन सब ल पिलाई थोड़ा थोड़ा और अपनो पीस वो पानी ला। ओकर बाद में जतेक पितर देवता मन रीस हवे पुरखा मन पितृ लोक में वो मन ला पार कर दी। ओकर बाद में उतरी ठाड़ भय सुर शरीर रहता देखा यहाँ दूसरा पहचान मिलते फोटो मन में देखू मात्र चार व्यक्ति के फोटो दिखाते राम लक्ष्मण सीता और केवट के लेकिन ऐसे नो है ओमा पांच व्यक्ति गए डोंगा में। उतरी ठाड़े भय सुर शरीर रहता सिया राम गुहलखन समेता केवट उतरी दंडवत की ना प्रभु इस कुचे एही नहीं कछु दीना प्रभु इस कुचे एही नहीं कछु दीना। यहाँ दूसरा पहचान उतरी ठाड़ भय सुर शरीर रहता केवट देन भगवान राम लक्ष्मण सीता आओ गुहा निषाद राजला डोंगा में बिठा के ए पार ले ओ पार ले जाते। तो सबसे पहले उतरीस कौन गा सबसे पहली माता सीता उतरीस सी ओकर बाद में राम ओकर बाद गुह ओकर बाद लखन ये चार व्यक्ति पहली उतरीस। यहाँ प्रमाण है बात के सी राम गुह लखन समेत चार व्यक्ति पहली उतरीस। ओकर बाद में केवट उतरी दंडवत किन्हा ये पांचवा व्यक्ति केवट है जन डोंगल उतर करके भगवान राम ला प्रणाम करी। तो यहाँ भी ये बात के प्रमाण मिलते कि जे राजा ऋषि हवे गुहा निषाद राज वो अलग व्यक्ति हरे और जिन चरण ल धोए हवे नाविक वो अलग व्यक्ति हरे ये मन दो जन व्यक्ति हरे। तो प्रभु तीन सा कुछ आ जाते कि मैं एकर मन के उतरौनी नहीं देऊं करके आओ एक भजन के बाद ये प्रसंग में चर्चा करबो। शिवकरण निषाद के द्वारा 50 रुपया भगवान के चरण कमल में अर्पण हो हवे फरमाइश भेजे हवे झंझाते मथुरा झंझाते गया समय देख करके सुनाए के प्रयास करबो। अब आप मन के समक्ष बहुत सुंदर नया सुर में सुनाए वरदाथन कि मन मूरख मनवा को कटे के कर थक गुमान तय कर डारे झूठा अपन जुबान तय कर डारे झूठा अपन जुबान तय मन मूरख मनवा को कटे के कर थक गुमान मन मूरख मनवा करदारे झूठाया पंजुबान तय 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 मन मूरख मनवा ओ कटे के कर थकुमान मन मूरख मनवा
परे नौ महीना ले गजब दुख उठाए कलप के ओ मालिक ले बिनती सुनाए। नौ महीना ले माता के गर्भ में ऊपर गोड़ और तरी मुड़ टंगाए रहे तो भगवान से विनय कह रहे इनके प्रभु माँ के गर्भ से मोला बाहर निकाल सदा तोर गुणगान कर हूँ। वो दिन के कर ले ध्यान तय वो दिन के कर ले ध्यान तय वो दिन के कर ले ध्यान मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत कल्पना लसुन के दयालु खरारी जगत ला देखाई तोला दया करके भारी। माँ के गर्भ में भगवान से विनय करें कि प्रभु माँ के गर्भ से बाहर निकाल। कल्पना सुन करके खरारी माने राक्षस खर राक्षस के नाश करने वाला भगवान इस संसार ला दिखा दिस और आज इस संसार ला हम देखा था कहना का कि देखा था तू सकल जहान पे देखा था तू सकल जहान पे मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत गुमान मन मूरख मनवा फोकट के करत भक्ति भजन पर चंचल ते होए राजी दुनिया में आके धनेश्वर करी दगाबाजी। माँ के गर्भ में भक्ति भजन पर हम राजी होए रहे
अभी संसार में आके हम ओकरे दगाबाजी करे चालू कर देतन। भक्ति भजन पर चंचल ते होए राजी, दुनिया में आके धनेश्वर करे दगाबाजी, तो ऐसने में ईश्वर ल पाबे काजी नहीं मिल सका। एकर स्थिति कहना है का गा कि कर ले हरि के गुण गान ते, कर ले हरि के गुण गान ते, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, कर डर जो मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान, मन मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान ते, मन मूरख मनवा मूरख मनवा प्रकट के करत सुमान। बोल श्याम रामचंद्र की जय। अभी धन सिंह निषाद के द्वारा 50 रुपये हमारे मानस मंडल प्राप्त हो जावे। भगवान सन विनय करथन, भगवान सदा ओकर जीवन में सुख शांति का संचार करे। बोल सावर रामचंद्र की जय। पिय ही की सिय जान निहारी, मने मोदी ते उतारी, कहे उ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, नाथ आज मैं कान पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट उतरी दंडवत किन्हा, चार व्यक्ति पहले उतरी ओ डोंगा ले, राम सीता, राम गुहा निषाद राज और लक्ष्मण। ओकर बाद केवट तिन उतर करके भगवान राम ला प्रणाम करिस, तो भगवान राम तिन सब कुछ आ गए। प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु दिन था कि मैं हेला कुछ नहीं दे, हम ला ओ पार ले ए पार ला दिस, तो ए बात ला माता सीता जान जते पी यही है कि सी जान अनिहारी, अपन पति के हृदय के बात ला माता सीता जान गे। नारी तू ही हरे जिन अपन पति के हृदय में का बात चलत है ओला जान जाए। माता सीता जान गे कि प्रभु ला प्रभु के पास में कुछ नहीं है, केवट ला देवर, तो मणि मुद्री मन मुदित उतारी, मणि की जिन मुद्रिका पहने रिस माता सीता, वो मुद्रिका ला उतार करके भगवान राम ला दे दिस। फिर भगवान राम की इस कहे कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान राम जी की भैया केवट ते वो पार ले पार हम अल्लाह अपन डोंगा में बिठा करके नकाय हवस, ते ओकर नहकौनी ले ले ओकर बनी ले ले किस, तो केवट ला बड़ा दुख हुई जब ये बात भगवान राम बोलिस, तो नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ आज मैं का नहीं पागे, जब तक मोर दोष रिस आवे, दुख रिस आवे, दरिद्रता रिस आवे, वो सब भगागे की। बहुत काल में किन मजूरी, आज दिन विधि बनी भली भूरी। बहुत समय तक ले मैं ये गंगा के घाट में डोंगा चला करके अपन परिवार के पालन पोषण करत रहे, लेकिन आज तक कोनो अतना कन मजूरी मोल नहीं दे रही थी कि जिन आप दे हाओ। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, हे नाथ अब मोला और कहीं की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपकी कृपा मोर ऊपर बने रहा है।
फिरते बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। जब 14 वर्ष के वनवास ले आप वापस आहो वो समय मोला जो कुछ भी दू मैं प्रसाद समझ करके ओला ग्रहण कर लू। विदा किन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले। बहुत किन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले। विदा किन करुणायतन भक्ति विमल बर ले। लखन सिया राम चंद्र की जय। बहुत प्रयास करिस भगवान राम और माता सीता कि भैया ते अपन नहकौनी ले ले उतरौनी ले ले लेकिन केवट ते ना नहीं लीच कुछ। फिर भगवान राम अपन निर्मल भक्ति ला प्रदान करके केवट ला विदा कर दिस वापस भेज दिस। केवट ते अपन डोंगल धर के वापस आ जाते। यहाँ भी एक प्रमाण मिलते है। प्रमाण का है केवट ते अपन डोंगल धर के वापस आ गए लेकिन गुहा निषाद राज जे रही सावे भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ में आगे पर्णकुटी तक ले रास्ता दिखावत दिखावत जाते। तो यहाँ भी ये बात के प्रमाण मिलते हैं कि जिन चरण ल धोए हवे नावी को अलग व्यक्ति हरे और जिन हमर केवट निषाद मन के राजा रही सावे गुह वो अलग व्यक्ति हरे। तो ये प्रकार निर्मल भक्ति विदा किन करुणायतन भक्ति विमल वर दे। अपन निर्मल भक्ति ला दे करके केवट ला वापस कर दिस। फिर भगवान राम आगे चलते। फिर होते का बोल सावर रामचंद्र की जय। राम के भजन कर संवर जाही चोला। राम के भजन कर संवर जाही चोला भव सागर ले पार। उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला। राम के भजन कर संवर 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 जाही चोला भव सागर ले पार। उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला। जाही चोला आ
के धन जोगिनी चेतोर सर जाही चोला भव सागर ले पार उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला राम के भजन कर समर 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 जाही चोला भव सागर ले पार उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही काली नहीं दे पर सो जावे नहीं दे पर सो जावे आज काली नहीं दे पर सो जावे नहीं दे पर सो जावे काल बलि के थपराला खावे का थपराला खावे काल बलि के थपराला खावे थपराला खावे लाला चंचल राम के गुण लागावे लाला चंचल राम के गुण लगावे तूला आवा गमन ले छुट जावे तूला आवा गमन ले छुट जावे के नाम हो अमर धने स्वर जाही चोला आ के नाम हो अमर धने स्वर जाही चोला भव सागर ले पार उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला उतर जाही चोला राम के भजन कर समर 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 जाही चोला भव सागर ले पार उतर जाई चोला 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय आ एक छोटे से हो आप मन के समक्ष भजन सुनाए बर जात हवन मोह के कांटा स्वर शरीर से छोड़ दीजिए हरि चरणों में मन को मोड़ लीजिए स्वार्थी जीव है न होड़ कीजिए और चंचल प्रभु से नाता जोड़ लीजिए मोह के कांटा संगीरे गड़ गए तोला मोह के कांटा Thank you.
गड़ गे तोला मोके कांटा मोके कांटा संगीरे गड़ गे तोला मोके कांटा जन पे समझ बे अमली के लाटा रे जन पे समझ बे अमली के लाटा रे जन अमली के लाटा रे ए अमली के लाटा संगी रे गड़ गे तोला मोके कांटा मोके कांटा संगी रे सबो व्याधि के मूल है एकरेले उपजे संगी सबोच सुल है मोह काला कहते हैं जैसे जानथन लेकिन मानन नहीं रावण जानत रिसावे के राम हा नारायण के अवतार हरे लेकिन नारायण ने मानिस राम ला रावण तन मरत तक ले एला कहते मोह जानना और जान करके नहीं मानना खर दूसन मोहिसम बलवंता तिनको मार है बिन भगवंता खर दुसन त्रिसरा और बाली बधे सकल अतुलित बलशाली जाना त्रिसावे कि खर दुसन बाली एकर मन के बध करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सके ये तो नारायण ही हरे लेकिन रावण ते ना मरत ले राम ला नारायण ने मानी एकर से ती वाला मोह के रूप मानी किस कि मोह सबो व्याधि के मूल है मोह सबो व्याधि के मूल ये सबो जे तुल है संगी रे ए महो दे नाथन के घाटा मोके कांटा संगीरे गड़गे तोला मोके कांटा बड़ा दुख प्रद है राम के तय भजन कर ले सुख प्रद है ये बात हनुमान जब माता सीता पता लगाए वर्गीस मेघनाथ नाग फांस में बांध करके जब बोला रावण के दरबार में ले जाते तब वो समय रावण ला बहुत समझाते कि अरे रावण मोह मूल बहुत सूल प्रद त्यागो तम अभिमान
भजो राम रघुनायक कृपा सिंध भगवान। ते हा ये मोह से उत्पन्न होए हवे, मोह मूल वो सूल प्रद त्याग तम अभिमान। ते अपन तामसिक अभिमान ल छोड़ दे किस कार की तोला जिन तामसिक अभिमान हवे ना वह मोह के कारण से हवे किस। आओ ते अपन मोह ल भी छोड़ दे किस। आओ भजो राम रघुनायक कृपा सिंध भगवान। ते वो रघुनायक के भजन कर जिन कृपक सिंधु है किस। कि मोह सबो मोह के कांटा बड़ दुखे प्रदे है। राम के तय भजन कर ले सुख प्रद है। राम के तय भजन कर ले सुख प्रद है। कर ले सुख प्रद ही संगी रे। कर ले भजन तय अपन पांडा मोह के कांटा संगी रे। लाला चंचल के कहना ला धर ले तन के तोर धनेश्वर जतन कर ले। कवि लाला चंचल के कहना है कि जिन बात संत महात्मा मन बताते वो बात ला निश्चित ही धरना चाहिए और सही रास्ता में चलना चाहिए और ये तन के हम सब ला जतन करना चाहिए। काबर के आखर लक्ष्य चार चौरासी जोनी भ्रमत या जीव अविनाशी। अगर हम भगवान के भजन नहीं करबो तो 84 लाख जूनी में ये जीव इतना भ्रमत थे घुमरत रही थे मुक्ति नहीं होए। और जीव की मुक्ति जबे है जब जीव भगवान के भजन करे। कि लाला चंचल के कहना ला धर ले। लाला चंचल के कहना ला धर ले। राम के तन के तोर धने स्वर जतन कर ले। धने सर जतन कर ले। जतन कर ले संगी रे। नोहे भजन हा भाजी भांडा मोह के कांटा संगी रे। गड़गे तोला मोके कांटा मोके कांटा संगी रे। गड़गे तोला मोके कांटा 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 गड़गे तोला मोके कांटा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। देन पीला लाइट ला जला देना। आओ
संगीत आके भुलाए बाजार मा सौदा करके मरम न जाने घाटा करे व्यापार संगवारी रे आके भुलाए माया बाजार मा सौदा करके मरम न जाने घाटा करे व्यापार मा संगवारी रे तेहा आके भुलाए माया बाजार 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 मा साहूकार लथे बेलाने हवस मालू धार का जवाब साहूकार लथे बेलाने हवस मालू धार पांच ठग एक जन ठगनी ठगनी करत है संसार का जवाब साहूकार ल देबे लाने हस माल उधार मा माँ के गर्भ ले हमें शरीर ल उधार में लेके आए हैं और आज वो परमात्मा जैन हमले मानव के तन दे करके भेजे है वही हम भूल गए का जवाब साहूकार ल देबे लाने हस माल उधार मा पांच ठग और एक जन ठगनी ये पांच जन ठग कौन कौन है काम क्रोध मद लोभ मोह ये पांच जन ठग हरे और एक जन ठगनी जेल माया के थे ये मन हा ये संसार ल ठग थे और वो एक जन ल नहीं दो जन ल नहीं तीन जन ल नहीं लाखों हजार मा कहना का ऋषि मुनियाओ तब सिल ठगते लाखों और हजार मा संगवारी रे आके बुलाए माया बाजार मा संगवारी रे तेहा आके बुलाए माया बाजार मा संगवारी रे तेहा आके बुलाए माया बाजार मा संगवारी रे तेहा आके बुलाए माया बाजार मा
अभी चंदादाई ध्रुव के द्वारा 11 रुपए भगवान के चरण कमल में अर्पण है, बोल सावर रामचंद्र की जय। देखा ये तो रिस केवट के प्रसंग, समय कब काकर कना जा करके झुकेल पर जाते कि मैं बताया ना, जा सुनाम सुमरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा, जेकर नाम ला एक बार सुमरे से मनुष्य जो है संसार सागर ले पार हो जाते। ऐसने एक जन व्यक्ति रिस आवे जेन अपन जीवन में केवल एक के बार राम के नाम ला ले रही, और जब वो अपन देह ला त्याग करके गिस यमलोक में तो यमराज ला सोचेल पर के केला कौन से फल दे जाए, कार की है अपन जीवन में केवल एक के बार राम के नाम ले हावे, ता यमराज के समझ में नहीं है, यमराज ते न ब्रह्मा कना चले जाते वो जीव ला धर करके। ब्रह्मा ला किस यमराज है कि ब्रह्मदेव ये जिन जीव है तेना अपन जीवन भर में केवल एक बार राम के नाम ला ले हावे, तो इला कौन से फल देना चाहिए। ब्रह्मा के भी बुद्धि चकरा जाते हैं। अब ब्रह्मा तेना वो जीव ला ले करके साथ में यमराजो जात हावे, शंकर भगवान कना चले जाते, भगवान शंकर ला जाकर के पूछिस कि महादेव ये जिन जीव हावे अपन जीवन में मात्र एक बार राम के नाम ले है, तो इला कौन से फल मिलना चाहिए। तो भगवान शंकर की इसकी मोर बस के बात नहीं है, इला लेकर के तू मन भगवान विष्णु कना जाओ किस, भगवान विष्णु कना चले जाते साथ में अपनों जाते और वहां भी जाकर के ही बात रखीस, तो भगवान विष्णु की ही इसकी देखो जेन एक बार राम के नाम ला लेते तो वह यमलोक का यमलोक ला पार करके ब्रह्मलोक भी जा सकते, और ब्रह्मलोक ले कैलाश भी आ सकते, और कैलाश ले फिर शिव सागर में भी आ सकते, बैकुंठ में आ सकते कि एकर से बड़े फल बोला का चाहिए कि जिन एक बार राम के नाम ला ले हावे। तो जेकर नाम ला एक बार ले से मनुष्य तीन संसार सागर ले पार हो जाते, वो भगवान केवट करा बार बार निहोरा करत रिस आवा के भैया ते अपन डोंगा में बिठा करके पाल ले वो पार नहका दे, और फिर भगवान से आज्ञा लेकर के गंगा जल ला करके भगवान के चरण ल पखार करके पद पखारी पर पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गयाओ ले पार, ए पार ले वो पार अपन डोंगा में बिठा करके ले जाते। और ये प्रसंग के खास रहस्य यही है कि जिन दो व्यक्ति के बारे में बताएं, गुहा निषाद राज अलग व्यक्ति हरे, और ये जिन नाविक रिस आवे चरण लधो है वो अलग व्यक्ति रिस। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता ला पार लगाए के बाद केवट ला अपन निर्मल भक्ति दे करके वापस भेज देते, आओ ही मेरन शायद मंडली आग हुई तो हम विदाई चाहबो, बोल से आओ रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पीला लाइट लग नहीं चला था। कभी के मन के अजब कल्पना झनकर हो मलाल, राम राज एक दिन आई रखो सबो ख्याल, सत अहिंसल जय अपनाही हो हिमाला माल, गावत हावन आज सभा मानवा बना के हाल। कवि मन के अजब कल्पना हवे कि कलयुग में राम के राज्य आही, राम के मंदिर के तो निर्माण हो गए,
विरोधी मन विरोध करत रिसावे जेखर मन के मुंह तेन करियागे लबरा के मुंह करियागे छल कपट हा मिटागे सत के आगुम जी आई समझा वह पिटागे कार की राम राज आगे राम के मंदिर तो बन गए लेकिन जैन कल्पना कवि मन कर रिसावे वो कल्पना एक न एक दिन आही राम राज्यम कारी सावाई भजन के माध्यम से आप मन हम सुनाए पर जाते हैं
बढ़िया होई छल कपट है मिटाही सत्य आगो मा जाही समझाओ वह पिटाही जब राम के राजा ही माया ममता मोह तीनों राम राज मा भगाही काम क्रोध और लोभ के सूरज अपने अपन पहाही जब राम के राजा ही और देखा श्यावर रामचंद्र की आई अभी बहुत ही सुंदर पवन प्रस्तुति श्री शिव शंकर श्री शंकर।